वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको राजस्थान के नागौर क्षेत्र में डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। जसवंतगढ़ का एक पाबोलाव धाम क्षेत्र है जो दुनिया में पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। नागौर बुल्स यानी नागौरी बैलों के लिए मेला प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब कुछ प्रतिबंधों के चलते नागौरी बैल गिने चुने आते हैं, लेकिन लगभग 2500 ऊँट इस मेले में आए हैं। अभी देखिए प्रतियोगिता हो रही है, सुंदर सुंदर देखिए ऊँट। अभी आप इन्हें नज़ारा देखिए, सुंदर सजे हुए ऊँट आ रहे हैं और ऊँटों के श्रृंगार की, ऊँटों के नृत्य की, ऊँटों की नस्ल की अनेक प्रतियोगिताएँ यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद बैल आएंगे, अलग अलग भैंसों की कार्यक्रम भी यहाँ पर होने वाले हैं। आज पशुओं की प्रतियोगिताएँ हो रही है और देखिए कितने सुंदर दुल्हन की तरह सजे हुए ऊँट अब आप देख रहे हैं, कैटवॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ऊँटों के श्रृंगार की प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है। इसके अलावा टैटू, जो ऊँटों के ऊपर बालों को काटकर जिस तरह से ऊँट के शरीर पर चित्र बनाए जाते हैं, उस तरह की प्रतियोगिताएं भी होती है। देखिए फिलहाल ये ऊँट वार्म अप हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। विवेक आई मेरे साथ, ये देखिए ये प्रतिभागी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए ग्राम पंचायत के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और ये देखिए यहाँ पर ये प्रतियोगिता शुरू हुई है। जज देखिए इधर एक बार घूमे, देखिए ये जो रिबन देख रहे हैं आप, ये देखिए ये रिबन प्रतियोगिता में विजेता, तीन कलर के आप रिबन देख रहे हैं, ग्रीन है, रेड है और ये केसरिया है। तो सर बताएं कि कौन सा रिबन किस स्थान के लिए लगाया जाएगा इसमें? ये रेड लेवल है, जो रेड लेवल है वो ये फर्स्ट का है, प्रथम जी, और ये केसरिया सेकंड जी, और हरा है जो थर्ड, तीसरे स्थान के लिए। आप सुन रहे हैं, देखिए तीन जो स्थान है उसके लिए, प्रथम के लिए रेड है, उसके बाद में केसरिया दूसरे स्थान के लिए, ग्रीन तीसरे स्थान के लिए है। और ये सारी ये देखिए आयोजन कमेटी, ये जो निर्णय कमेटी है जो अभी यहाँ पर फैसला करेगी। पहली प्रतियोगिता कौन सी होगी? नस्ल की होगी या सजाने की प्रतियोगिता हो रही है? नस्ल की हो रही है, नस्ल की प्रतियोगिता होगी जिसमें जीरो से तीन वर्ष तक की होगी, जिसमें अदंत बोलते हैं, वो अदंत ऊँट है जो सारे सारे आ गए। अच्छा, और कौन से जानवरों की प्रतियोगिता? उसके बाद अदंत के बाद में जो नेसावर ऊँट है जी उनकी होगी, उसके बाद में जो उनके सजावट और नृत्य की भी अलग से होगी जी जी, उसके बाद में बैलों की भी प्रतियोगिता होगी। बैल कितने आए इस बार? बेल भी आए हैं काफी, कम आए, कम आए ना सर, कम क्यों आते हैं बताइए? बेलों की वो क्या है, गवर्नमेंट ने लोग गवर्नमेंट जाने नहीं देती है। हाँ हाँ हाँ। और अच्छी नस्ल के सरदार पंजाब से आकर के यहाँ आकर के ले जाते हैं जी, यानी सरदार यहाँ आते हैं और यहाँ के खरीदार है, खरीद करके एक जगह उनको भेज देते हैं। अच्छी नस्ल के पंजाब हरियाणा में गाँव से ले जाते हैं, मेले में नहीं आते। सरकार ने तीन वर्ष तक के बछड़ों पे रोक लगा रखी है, इस वजह से काश्तकार है जो लेके नहीं आते हैं और इस वजह से इनकी दुर्गति हो रही है। सरकार से हमारा निवेदन है कि इसके ये छूट देवे। सर मैं बड़ा सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मेले के बाद में लोग यहाँ पर गोवंश को छोड़ के भी चले जाते हैं देखने में आए, उसके लिए क्या प्रबंध करते हैं फिर आप? उसके लिए तो गौशाला वगैरह है, हम जो मेला कमेटी की तरफ से भी उनको व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, बाकी आजकल छोड़ के कम ही जाते हैं अभी तो 5-4%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्रतियोगिताएं शुरू हो रही है। देखिए तीन वर्ष तक के जो ऊँट है उनके नस्ल की प्रतियोगिता फिलहाल शुरू हो रही है। दोस्तों ये मेला पाबोलाव हनुमान जी मंदिर के बिल्कुल बगल में होता है और इस मेले का नाम भी हनुमान पाबोलाव पशु मेला है। आइए पाबोलाव धाम बालाजी के दर्शन करते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत सुंदर बन चुका है पाबोलाव बालाजी का मंदिर। देखिए फिलहाल ऊँट कैटवॉक कर रहे हैं, तीन वर्ष तक की उम्र के ये ऊँट हैं। देखिए मैदान कितना खूबसूरत है, देखिए बिल्कुल लस ग्रीन है और बड़ा सुंदर नज़ारा है। ये देखिए ऊँट पालकों का उत्साह देखते ही बन रहा है पाबोलाव के इस पशु मेले में। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। देखिए भीड़ काफ़ी है यहाँ पर, ये नस्ल देखी जा रही है। ये देखिए निर्णायक कमेटी जो है वो आप देख रहे हैं, अब देख रही है ऊँटों, और जो कायदे कानून बनाए गए उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। दांत के अनुसार उम्र का पता लगाया जाता है, नस्ल देखी जा रही है चलाकर, उसके दांत चेक करके, इसी चाल से ही इनकी जो है नस्ल का पता लगाया जाता है।
ये देखिए सारे ऊंट केटवो कर रहे हैं। ऊंटों पर ये कमेटी देखिए देख रही है सभी ऊंटों को। ये निर्णायक मंडल आप देख रहे हैं। अब देखिए अब डिसीजन होगा क्योंकि निर्णय कमेटी देख चुकी है सबको। कमेटी निर्णय ले रही है देखिए किसको। और ये देखिए ये विजेता ऊंट ये लीजिए। ये देखिए विजेता ऊंट को लाल रिबन बांधा जा रहा है। ये लीजिए तीसरे स्थान की छोटी सी ये टोडियो है, इसको टोडिया कहते हैं। सांचोर नस्ल का ये टोडिया है छोटा सा, देखिए तीसरे स्थान पे रहा है। देखिए अभी आपने देखा यहाँ पर 3 साल तक की उम्र के ऊंटों की प्रतियोगिता हुई, नस्ल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें 3 स्थान पर ऊंटों को प्राइज दिए गए। सर जानना चाहूंगा कि किस आधार पर आप ये नस्ल देखते हैं, इसमें क्या देखा जाता है? देखो हर एक नस्ल की खासियत होती है अपनी, जैसे कान है, मुंह है, तिक्का मुंह है, जैसे ये जो बीच में एड्र होता है वो टच नहीं हो रहा हो कहीं भी, पीछे के जो पैर हैं उनका जो पुट्टा होता है उसकी गुड़ाई है, ये बीकानेरी नस्ल के खास तौर से या जैसलमेरी नस्ल के उनको भी देखा जाता है। जी जी, आप क्या कह रहे थे? जैसे उसकी चाल भी देखी जाती है, उसकी मतलब सारा परीक्षण किया जाता है आगे से पीछे तक, उसका नाक, उसके उसका जो आसन का बैठने का सिस्टम है, उसके पीछे के पुट्ठे। एक बात बताइए, उम्र का पता आप कह रहे 3 साल तक का, तो उम्र का पता दांतों दांत में क्या चीज होती है? दांत 3 साल के ऊपर दांत आने लग जाते हैं। 5 साल के ऊपर दांत काट लेते दूसरा जी, ये तो 5 साल का ऊपर हो जाता है ना वो, पहले अदंत रहता है 4 साल तक, 5 साल में बढ़ता ही हो दांत, दो दांत कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं, देखिए दांतों के आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। कह रहे हैं कि दो दांत होते हैं, दूसरा दांत जैसे निकलने लगता है पता चलता है कि 5 साल में प्रवेश कर गया है। देखिए अब 5 साल से ऊपर के ऊंटों की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। देखिए इसमें काफी बड़ी संख्या में उठाई है। देखिए ये देखिए इस प्रतियोगिता में ऊंटों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए पहले 3 साल तक के ऊंटों की प्रतियोगिता थी, अब ये 5 साल के ऊंटों की प्रतियोगिता हो रही है और इसमें संख्या बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं। और ये अभी वो कर रहे हैं और इस चाल के दौरान सब कुछ चीजें जो है निर्णायक मंडल देख लेता है और उसके आधार पर उनके विजेता उपविजेता का फैसला किया जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर सजीले ऊंट प्रतियोगिता में पहुंचे हैं और ये श्रृंगार प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सजीले ऊंट प्रतियोगिता में पहुंचे हैं और ये श्रृंगार प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। ये दो दांत से ऊपर वाले सभी ऊंटों को बुला लिया गया है। इसके बाद डांस प्रतियोगिता होगी। निर्णय का वक्त हो चुका है, अब ये रिबन डाले जाएंगे, सभी को कतारबद्ध किया जा रहा है, ऊंटों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद में निर्णय होगा, रिबन डाले जाएंगे विजेता उपविजेता और तीसरे स्थान को। 3 साल से ऊपर के सभी ऊंटों को बुला लिया गया है, 3, 5, 7, 9 साल यानी 3 साल से ऊपर के सारे ऊंट इस प्रतियोगिता में थे। अब ये देखिए अब निर्णायक कमेटी जो है वो निर्णय ले रही है यहाँ पर। देखिए लोग विवाद करने वाले भी तैयार रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया। जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ विवाद भी होता है, यहाँ विवाद खड़ा हो गया है। ये दूसरे स्थान पर रहा है ऊँट, एक चक्कर और लगवाया जा रहा है तीसरे स्थान के लिए। निर्णय कमेटी निर्णय नहीं ले पा रही है और विवाद भी खड़ा कर रहे हैं लोग। तीसरे स्थान का निर्णय हो गया है। ये देखिए इनाम लेने से मना कर रहे हैं अभी। देखिए अब तीसरे स्थान का निर्णय हो चुका है, शिषपाल जी के ऊंट को तीसरा स्थान मिल गया है। आज यहाँ पे
पुरस्कार बांटे जा रहे हैं 3 साल से ऊपर के ऊँटों की नस्ल के। दोस्तों ऊँटों की प्रतियोगिता बाद अब घोड़ों की प्रतियोगिता हो रही है। देखिए खूबसूरत काला घोड़ा यहाँ पर, ये देखिए, और ये देखिए जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया, ये देखिए अपनी आवाज़ भी निकालने लगा है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर देखिए नस्ल देखिए इसकी। और ये घोड़ों की प्रतियोगिता, ये देखिए यहाँ पर एक देखिए ब्राउन कलर का बहुत ही खूबसूरत चिकना, ये देखिए क्या बात है, सुंदर सुंदर यहाँ पर ये जानवर जो आजकल लोग शौकिया भी पालते हैं। और इनकी उपयोगिता इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल ये जैसे जैसलमेर है, बीकानेर में, वहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनमें जाते हैं, विवाह शादियों में इनका कार्यक्रम होता है। तो बड़ी खूबसूरत आप देख रहे हैं ये घोड़ी, और निश्चित रूप से आप घोड़ों की, माफी चाहता हूँ, घोड़ा ये घोड़ों की प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है सजाने की प्रतियोगिता बातों की। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये इनके नस्ल देखी जा रही है कार्यक्रम में, घोड़े घोड़ियाँ कम आए हैं, ये देखिए फिलहाल ये 3, एक उधर देखिए वाइट है, ये ब्राउन है, वो डार्क ब्राउन है, और बड़े सुंदर है देखिए ये। ये देखिए खड़क सिंह जी बांठिया का घोड़ा प्रथम रहा है, ये देखिए प्रथम आया है ये खड़क सिंह जी बांठिया, सुजानगढ़ का घोड़ा, ये रुद्र स्टेड फार्म का खड़क सिंह जी बांठिया का घोड़ा ये जो प्रथम रहा है। ये दूसरे स्थान पर देखिए घोड़ों की प्रतियोगिता थी जिसमें दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान का घोड़ा देखिए व्हाइट कलर का, 3 ही घोड़े थे और तीनों के निर्णय हो चुके हैं, बहुत ही कमजोर सा है लेकिन 3 ही थे इसलिए तीसरा स्थान इसको मिल गया है। ये देखिए ये प्रथम रहा है ये सुजानगढ़ के खड़क सिंह जी बांटिया, जो कि घोड़ों के प्रेमी है, बहुत ही राजस्थानी ठाट बाट से जीने वाला व्यक्ति है, उनका ये घोड़ा देखिए क्या है, इस घोड़े का नाम रखा है कुछ पृथ्वी, क्या बात है, देखिए घोड़े का नाम है पृथ्वी, और बड़ा शानदार देखिए लंबी कद काठी है इसकी, नस्ल बहुत ही शानदार है, और बिना किसी हिचक के आप देख रहे हैं निर्णायकों ने तुरंत इसको पहले स्थान पर घोषित कर दिया। क्या क्या आप, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर फार्म में रहते हैं, तो क्या क्या ध्यान रखते हैं इसका? केयर तो काफ़ी होती है फीडिंग को लेकर फिजिकल एक्टिविटी को लेकर केयर तो काफ़ी करनी होती है। कितनी बार प्रतियोगिता में ले जा चुके हैं इसको? ये डीडवाना जीत चुका है, सांडवा जीत चुका है, बाबूलाव पिछली बार भी फर्स्ट था, इस बार भी फर्स्ट है, क्या बात है, देखिए क्योंकि बहुत ध्यान रखते हैं खड़क सिंह जी, शौक से पालते हैं इनको। घोड़ों के बाद अब घोड़ियों की नस्ल की, ये देखिए सफ़ेद बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है, और घोड़ियाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाह शादी में घोड़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, घोड़ियों पर ही दूल्हा बैठता है, इसलिए ज़्यादातर लोग घोड़ियाँ ही लेकर आते हैं क्योंकि मुख्य कमाई जो है आजकल दूल्हों में 21,000 रुपये है घोड़ी के लिए जाते हैं। ऐसे में देख रहे हैं घोड़ियाँ बड़ी संख्या में, घोड़े 3 ही आए थे और तीनों का कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड घोड़ियाँ देखे, विवेक दिखाएं कितनी बड़ी संख्या में देखे, क्योंकि ज़्यादातर जो पशुपालक घोड़ियाँ लेकर आते हैं क्योंकि घोड़ियों से कमाई है, इनकम है, घोड़ियाँ प्रतियोगिता में भी जा सकती है, विवाह शादी में दूल्हे के काम भी आ सकती है। तो देखिए सारी घोड़ी सफ़ेद है, एक दो आपको लाल नजर आएगी, एक ही देखिए, ये केवल एक लाल है, बाकी सभी सफ़ेद आप देख रहे हैं क्योंकि विवाह शादियों में लोग सफ़ेद घोड़ियों को ही बुलाते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए शानदार घोड़ी है, ये देखिए केटो कर रही है घोड़ियाँ, ये देखिए नाचते हुए, क्या बात है, ये देखिए ये केटवॉक हो रहा है और इसी से देखा जाएगा इनकी नस्ल देखी जाएगी। ये देखिए 5 घोड़ियाँ यहाँ पर केटवॉक कर रही है, बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए दीजिए ये विजेता जिसको लाल रिबन डाला जा रहा है, ये दूसरे स्थान की घोड़ी को आप देख रहे हैं, ये केसरिया रिबन डाला जा रहा है, तीसरे स्थान की घोड़ी जिसको ग्रीन रिबन बांधा जा रहा है, जीत का जश्न देखिए, ये जीत की खुशी मनाई जा रही है, ये दूसरे स्थान पर रही है केसरिया रिबन के साथ, और जीतने के बाद देखिए नृत्य हो रहा है, जानवर भी खुशी मनाते हैं। देखिए कोई भी जीतता है तो नाचता है, खुशी मनाता है, जब घोड़ी भी यहाँ पर जीती है तो ये भी खुशी मना रही है, देखिए ये भी नृत्य कर रही है, दूसरे स्थान पर रहा था, उन्होंने घोड़ी को खड़ा ही कर लिया था, लेकिन ये देखिए पशु लाल रिबन के साथ आप देख रहे हैं ये विजेता रहे। चलिए बातचीत करेंगे, चलिए रुकिए एक बार, क्या नाम आपका? समीर जी कौन से गाँव से? सुजानगढ़, क्या बात है, तो विजेता रहे आप, तो क्या खास है घोड़ी में आपके में? खास बहुत जी, अभी ये 2 दांत बच्ची है, 2 दांत है, अच्छा 2.5 साल की है, इतना 2.5 साल की होती है, इतना काम कर रही है, आगे बढ़े क्या करेगी, विवाह शादी में ले जाते हैं? हाँ मुख्य काम तो यही काम। अच्छा पहले भी कभी जीता ही नाम आपने? हाँ पहली बार जीता, पहली बार जीता है, क्या बात है, देखिए खुशी देखिए चेहरे पर क्योंकि पहली बार ऐसी ये घोड़ी जीती है, बड़ी खूबसूरत घोड़ी, देखिए नशे विवेक दिखाएं इसकी, नशे साहब इतनी है, देख सॉफ्ट है, देखिए इसकी डिजाइन देखिए शरीर पर, आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए ये देखिए पूरी नशे जो है डिजाइन बनी हुई है, देखिए ये खासियत इस घोड़ी की है, और इस तरह की घोड़ी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, देखिए पूरे गर्दन से लेकर पूरे शरीर पर आप देख रहे हैं इसकी जो मसल्स है उसकी एक डिजाइन नजर आ रही है, और ये बाबूलाव के मेले में
3 वर्ष की उम्र में विजेता रही है।